नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लैब असिस्टेंट का पिछली बार का एग्ज़ाम पेपर देखेंगे और देखेंगे कि उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे और उनमें से कुछ को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह यह है कि 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के में समान रूप से वितरित द्रव्यमान तथा 1 मीटर त्रिज्या के गोले की अवधारणा कीजिए और 1 व्यास के सापेक्ष इसका जड़त्वीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो आपको ये बताना चाहिए कि गोले के व्यास के सापेक्ष जो जड़त्वीय आघूर्ण आई होता है उसका मान होता है 2/5 mr² यानी mr², और जहाँ r है वो क्या है दोस्तों, r जो है वो क्या है उसका गोले का व्यास। और यहाँ पर आपको दिया गया क्या है, आपको यहाँ पर m की वैल्यू दी गई है दोस्तों 1 और त्रिज्या दी गई है आपको 1, तो r जो है वो क्या है दोस्तों, व्यास जो हो जाएगा 2। इसलिए आपको m की वैल्यू रखनी है 1 और r की वैल्यू रखनी है 2। तो आप जब सोल्व करोगे इसको 2/5 × 1 × 2² करके 8/5 आएगा, जिसका जो आंसर करने पर आएगा 1/167 जो कि इसका दोस्तों ऑप्शन है 4। अतः इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन नंबर 4 जड़त्वीय आघूर्ण के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। L लंबाई और समान रूप से वितरित M प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान को एक छड़ अपने मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है। यदि छड़ की कोणीय गति T में 0 से ω तक बदलती है तो लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। दोस्तों आपको यहाँ पे क्या निकालना है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, याद रखिए दोस्तों, बल आघूर्ण होता है टो, और जो टो होता है वह बराबर होता है जड़त्वीय आघूर्ण गुणा आपका ओमेगा, जो कि ओमेगा जो है वो आपके क्या है दोस्तों, कोणीय वेग। इसके अलावा के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल आपको आई पता होना चाहिए जो कि है जड़त्वीय आघूर्ण। और जड़त्वीय आघूर्ण यहाँ पे किसके सापेक्ष दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे छड़ के लंबवत अक्ष से जाने वाले अक्ष का जड़त्वीय आघूर्ण। तो छड़ के लंबवत अक्ष का जड़त्वीय आघूर्ण की बात करूँ तो जो आई होता है वह होता है m L² / 12। ठीक है, और जो टो है वो दोस्तों वो हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आई के तो आ जाएगी दोस्तों। अब टो की बात करें तो टो होता है दोस्तों आई गुणा अल्फा, लेकिन आपको अल्फा दिया हुआ नहीं है, और लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फा यानी कोणीय है जो वेग है, कोणीय त्वरण है, वो कोणीय वेग बटा समय से आप निकाल सकते हैं। और इस ओमेगा के जो मान है उसको आप रख देंगे इस समीकरण में, और यहाँ पे इसकी लंबाई जो है छड़ की वो है एल, इसलिए टो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके आई गुणा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू W/T / L। अब यहाँ पे इस आई की जगह वापस हम रख देंगे मान जो कि ml² / 12 है, यानी कि टो बराबर आई, आई का मान है दोस्तों ml² / 12 × α, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ω/ दोस्तों टी गुणा आपके आ जाएगा एल। L यहाँ पे भी है दोस्तों और L यहाँ पे भी है, तो टोटल जो L की बात करो तो ये क्या जाएगा दोस्तों आपका ml³ω/12 t। अब ये आपका आंसर है दोस्तों जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, जो अतः इसका जो आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक आदर्श गैस के लिए नियत ताप पर विशिष्ट ऊष्मा Cp तथा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv इस प्रकार संबंधित है, इनमें से आपको बताना है। आपको इसके लिए पता होना चाहिए दोस्तों कि Cp - Cv इक्वल टू होता है R। अगर इस Cv को आप उधर भेजोगे तो Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, Cv + R, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 2 है। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 30 °C ताप के एक होज मतलब सिंक और 90 °C ताप के एक स्रोत के मध्य कार्यकारी
पदार्थ की ऊष्मा इंजन की दक्षता आपको निकालनी है, दक्षता यानी कि नीटा। नीटा के लिए याद रखिएगा दोस्तों, नीटा जो होता है वो होता है 1 - TC/TT, मतलब कि आपको सिंक का ताप तथा स्रोत के ताप का अनुपात। लेकिन यहाँ पे जो टी है वो आपका जो है केल्विन में ताप है, जबकि यहाँ पे आपको ताप जो दिया गया है वो दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आपको याद रखना है कि आपको 30 में भी, आपको 30 में भी और 90 में, दोनों में आपको क्या ऐड करोगे दोस्तों, 273। तो जब 30 में आप 273 ऐड करोगे तो आप क्या आ जाएगा, 203, जो कि आपके टीसी का मान है यानी ऊपर वाले का, और 90 में जब आप 273 ऐड करोगे तो 363 आ जाएगा, जो कि आपके टी1 का मान है। इनको अगर आप इस सूत्र में नीटा इक्वल्स टू 1 - TC/T1 में रखोगे तो आप ये आ जाएगा आपका, जब इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपके 363 - 303/363 को माइनस करोगे तो आपके आएगा 60/363, जिसको सोल्व करने पर आएगा इसका आंसर 20/121, जो कि इसका जो ऑप्शन नंबर है थर्ड वो है। अतः इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक नियत निकाय के रुदोष्म प्रक्रम में जिसका तापमान T1 से T2 तक बदलता है, एंट्रोपी क्या होगा? याद रखिए दोस्तों, एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 100 तथा 1 तीव्रता के 2 कला समृद्ध प्रकाश स्रोतों के व्यतिकरण द्वारा उत्पादित प्रारूप में तीव्रता अनुपात कौन सा, I max / I min आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा जो आई मैक्स है वो इन दोनों के तीव्रता अनुपात का वर्गमूल का योग होगा। 100 का वर्गमूल दोस्तों हो जाएगा आपका 10 और 1 का वर्गमूल हो जाएगा आपके 1। 10 + 1 दोस्तों हो जाएगा आपके 11। ये हो गया आई मैक्स यानी आई अधिकतम। अगर मैं आई मिनी की बात करूँ तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या जाएगा दोस्तों, माइनस, यानी कि 10 - 1 यानी कि 9। आई मैक्स का मान दोस्तों 11, आई मिनी का मान दोस्तों 9, तो इन दोनों का अनुपात जो आएगा वो आपका आएगा 11:9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आया था लास्ट टाइम एग्जाम में वो आया था, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य की दूरी दी हुई है आपको, तथा इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य कूलाम्ब बल का मान ज्ञात करना है आपको। कूलाम्ब बल यानी कि F = K Q1 Q2 Q2/R² दोस्तों, जहाँ पे Q1 में Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश का मान जो होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम्ब होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस और प्रोटॉन के ऊपर अपन प्लस लेंगे, और इन दोनों का जो गुणन आएगा वो आएगा आपके माइनस। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपके माइनस, क्योंकि इधर माइनस है, इसलिए ये दोनों तो ऑलरेडी गलत हो गए, चूँकि इनका आंसर प्लस में आ रहा है। और यहाँ पे याद रखिए जो दूरी है वो कितनी दी हुई आपके 0.5×10⁵, इसको जब आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो F = K Q1 Q2/R² सॉल्व करोगे तो K की वैल्यू आपके 9×10⁻⁹, और ये Q1 Q2, और ये हो जाएगा R² दो बार अपन लिख लेंगे R को, और इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों जब आप घातांकों को सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा आपके 10⁻⁹, जो कि इससे तो बहुत दूर है और इसके बहुत पास है, और इतना समय आपके पास रहेगा नहीं कि आप इनको भी सॉल्व करो, इसलिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों आप करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि लास्ट टाइम एग्जाम में आया था, 10 cm त्रिज्या के गोले पर कुल आवेश भी दिया गया है 1 µC है, तो इस गोले पर अधिकतम विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र निकालना है दोस्तों ई। विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, K Q/R², ठीक है। अब यहाँ पे क्या के की वैल्यू आपको दी हुई है क्यू क्या दिया हुआ है आपको, 1 µC। 1 µC यानी कि आपका हो जाएगा 1×10⁻⁶ इधर आ जाएगा आपके के की वैल्यू आपको दिया हुआ है, और विद्युत क्षेत्र में आपको जो आर है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई दोस्तों, 10 cm है, और आपने इसको भी इसमें चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, जब इसको आप सेंटीमीटर से चेंज कर गया, जब इसको यहाँ पे वैल्यू के आंसर करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा 9×10⁵ N/C
गुलाम। सो दोस्तों न्यूटन पर गुलाम जो कि इसका है ऑप्शन नंबर टू। अतः इसका जो सही आंसर है वह दोस्तों है ऑप्शन नंबर टू है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक बंद प्रश्न में प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स का मान इतना है तथा उस प्रश्न से बाहर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान इतना है और प्रश्न के अंदर आवेश का मान आपको ज्ञात करना है। इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो दोस्तों ये याद रखना, फाइव टू माइनस फाइव वन इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ फाइव टू बाहर निकलने वाले आवेश फ्लक्स का मान और अंदर वाले फाइव वन अंदर आने वाले फ्लक्स का मान, इन दोनों के मान रख के आपको माइनस करना है। तो आप जो माइनस करोगे उसको तो एक आठ गुणा दस की घात तीन में से दो गुणा दस की घात दस माइनस करोगे तो आप क्या आएगा, छः गुणा दस की घात तीन इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये इधर इसके बट्टे में है तो उधर जाएगा तो गुणा में, क्योंकि आपको निकालना है आवेश Q। इन दोनों को आप जब गुणा करोगे तो लगभग आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे आपको गुणा करके देख लीजिएगा 0.053 इंटू 10 टू पावर में प्लस 9 आएगा, जो कि लगभग इसका ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों थर्ड। ठीक है, माइकल कूलम्ब के हिसाब से इसको माइक्रोकुला में चेंज करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न परिपथ में प्रतिरोध R अज्ञात है, R जो है वो अज्ञात है और जो R वेरिएबल है वो परिवर्तनशील है, जब R वेरिएबल का मान 12 ओम होता है तो एमीटर में धारा शून्य हो जाती है, तो ये जब 12 ओम का हो जाता है तो ये कौन सी स्थिति हो जाती है, व्हीटस्टोन ब्रिज, जहाँ पे दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज वो स्थिति होती है जब ये बटा ये बराबर होगा ये बटा ये के, मतलब कि अगर मैं इनको R1 R2 R3 मानूं तो इसको मैं मान लूँ R1 यानी छः जो ओम है उसको मान लिया R1, R2 मान लूँ इसको 1.5 को, R3 जो वेरिएबल है अभी जिसकी वैल्यू यहाँ पे 12 दी गई है और R4 जो RX है उसको मान लूँ, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में 6 बटा R वेरिएबल जो है 12 बराबर होना चाहिए 1.5 बटा आर एक्स के। आर एक्स को आप जब निकालोगे तो आर एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.5 गुणा 12 बटा 6, पॉइंट आ जाएगा कि जीरो लगाओगे तो इसमें 6 12 दो से इसको काटोगे 5 और 5 दिया 15, तो इसका जो सही आंसर आया दोस्तों वो आया 3, यानी कि 3.0 ओम जो कि इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। तो दसवें का तो सही आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, एक मीटर सेतु परिपथ में संतुलन बिंदु जे ए जे बराबर एल सेंटीमीटर पे प्राप्त होता है और आर एक्स का मान दूना कर दिया जाए और फिर उनका परिपथ बदल दिया जाए तो संतुलन बिंदु की स्थिति क्या होगी। याद रखिएगा ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा ही है, जहाँ पे R अपॉन X और ये जो L है ये टोटल जो होता है दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक वो होता है 100 सेंटीमीटर, अगर ये L है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर ये हो जाएगा 100 माइनस L। ठीक है, अब ये तो 100 माइनस L हो गया, अब क्या आगे इन दोनों के मान को दुगना कर दिया, अगर ये 2X है तो ये 2X, तो इससे बेसिकली फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपॉन में करने पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा संतुलन बिंदु की स्थिति पर, फिर इनको परस्पर बदल दिया जाता है, मतलब कि जो R है इस R की जगह हो गया दोस्तों X और इस X की जगह हो गया दोस्तों R। इस स्थिति में इन दोनों की भी जो स्थितियां हैं 100 माइनस L और L की वो बदल जाएगी, ये हो जाएगा इधर L और इधर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 माइनस L, तब संतुलन बिंदु की स्थिति क्या होगी दोस्तों, क्या होगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100 माइनस L होगी जो कि इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में एक 4.5 वोल्ट के सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है के द्वारा धारा प्रवाहित होती है जब विद्युत वाहक बल ई एक दूसरे सेल को 3 प्रतिरोध पर जोड़ा जाता है तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ई का मान आपको निकालना है। दिखने में हार्ड लग रहा है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, पहले आप क्या करेंगे इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, इन दिनों का तुल्य प्रतिरोध जो निकालेंगे वो निकालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन से, जहाँ पे जो R होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि यहाँ पे निकाला गया है पहले से ही, जो 2, 3, 4 इसका जो उत्तर हो जाएगा आपके दोस्तों 9 आ गया, मतलब आपके पास जो R इक्वलेंट की जो वैल्यू आ गई दोस्तों वह आ गई 9,
और आपको जो वी की वैल्यू दी गई वो है 4.5। अगर मैं बताऊँ वी बराबर आई आर से, अगर यहाँ से आपको निकालना है, वी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, निकालना है आपको आई, तो आप आई निकाल लेंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वी बटे आर, तो 4.5/9, 45 × 90, 1/2, जो कि लगभग होगा 0.5 के इक्वल एम्पियर के इक्वल। ठीक है, डरने वाली बात नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन दिखने में ही सिंपल है, हार्ड लगते हैं बेसिकली, अगर थोड़े से इन पर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, और ये आपका जो सिलेक्शन है वो उसको छोटी दिला देते हैं। ठीक है, इसके बाद आई निकल गया। अब इस आई और इस वाले आर से, जो आई निकाला इस वाले आर से, अगर मैं इसका वोल्टेज निकालूं तो वो वोल्टेज आपको निकालना है, वी बराबर आई, आई अपना कितना आ गया था दोस्तों, 0.5 × r, r यहाँ पे कितना है 3, तो 0.5 को जब 3 से गुणा करोगे दोस्तों तो आंसर आएगा आपके 1.5 वोल्ट, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 2 है, अतः इसका जो ऑप्शन 2 है वह इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में यदि वी सी ई बराबर 0.2 वोल्ट है तो आई सी संतृप्त धारा का मान आपको निकालना है। ठीक है, ये आपके लिए इसमें आपको बेसिकली अगर सोल्व करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वी सी जो है उसकी वैल्यू आई सी इंटू आर सी प्लस वी सी ई के बराबर होती है। ये जो बेसिकली फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको किस किस की वैल्यू गिवन है दोस्तों, वी सी की वैल्यू गिवन है, आई सी आपको निकालना है, आई सी आपको निकालना है, आर सी की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे दी गई है, ये रहा आर सी, और वी सी ई, वी सी ई जो कि इसकी वैल्यू भी आपको दी गई है यहाँ पे। ठीक है, जब इसको निकालोगे तो 10 बराबर आई सी गुणा ये प्लस 1.2, 1.2 दोस्तों इससे हो जाएगा 10 से माइनस, सॉरी 0.2 है, 0.2 10 से माइनस हो जाएगा, 10 में से 0.2 माइनस करेंगे पर आंसर जो आएगा वो आएगा आपके 9.8 बराबर है आई सी गुणा 4.7। अब 4.7 जो से गुणा हो रहा है, ये 4.7 क्या है, किलो ओम है दोस्तों, इस किलो को अपन चेंज करेंगे नॉर्मल ओम में, तो 10 × 3 ये पूरा का पूरा जाएगा दोस्तों इसके बटे में 9.8 के, और 10 × 3 जो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा इसका चिन्ह चेंज माइनस हो जाएगा, तो 9.8/4.7 इसका जो आंसर करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 2 μC। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 2 μC, इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, मैंने लिखना भूल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब दो बिंदुओं S1 तथा S2 से निकल रही प्रकाश तरंगे आरोपित होती है तो व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त होती है। याद रखिएगा दोस्तों कि समय के साथ नियत होती है परंतु शून्य नहीं होती है, मतलब ये जो पॉइंट है फोर्थ, इस पर ध्यान दीजिएगा, बाकी मैं जा नहीं रहा, कन्फ्यूजन हो जाएगी वरना आपको। इसका जो सही आंसर है दोस्तों कि जो व्यतिकरण है वो समय के साथ नियत होता है लेकिन आवश्यक रूप से शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी कंडीशन में शून्य नहीं होना चाहिए, समान होना आवश्यक नहीं, ये जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है कि जो व्यतिकरण के लिए S1 तथा S2 है उनकी आवृत्तियों का समान होना आवश्यक नहीं है और समय के साथ नियत आवश्यक रूप से शून्य नहीं होगा, तो इसका जो ऑप्शन 4 है वह इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है, वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.54 तथा 1.33 है, कांच से जल में प्रवेश करने वाली एक कुंजिका से के लिए ध्रुवण कोण याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा टेन इन्वर्स में निकलता है, यहाँ पे इन्वर्स आएगा दोस्तों, टेन इन्वर्स, ठीक है, टेन इन्वर्स आएगा, और टेन इन्वर्स में सबसे पहले बाद वाला जिसमें प्रवेश हो रहा है वो देखेंगे अपन, कांच से जल में, और यहाँ पे कांच का दिया गया है 1.54 और जल में 1.33, तो कहाँ प्रवेश हो रहा है दोस्तों, कहाँ प्रवेश हो रहा है आपके, कांच से जल में, तो जल बाद में आ रहा है, तो जल के लिए अपन जल का पहले लिखेंगे, जल का 1.33 और जो पहला है कांच उसका बाद में लिखेंगे जो कि है 1.54, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वह आ जाएगा 10 इनवर्स बाद यानी कि 1.33 अपॉन पहला यानी 1.54,
तो ये जो है इसका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन है, अतः 15 का जो सेकंड ऑप्शन है वह इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक नेत्रिका की फोकस दूरी 2.5 है, फोकस दूरी है वह 2.5 दी गई है, आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन जो है इसका 100% है, 100 की एक दूरबीन के लिए 100 है, मतलब ये जो भी है उसको 100 गुना कर देता है, मैग्निफिकेशन मतलब होता है उतने गुना, 100 गुना। तो मुझे बताओ जब अगर 2.5 है, 2.5 का 100 गुना क्या हो जाएगा, गुना 100, इसको करोगे तो 0 नीचे आ गया, इस 0 से ये 0 गया, तो आंसर है आपका 250, तो जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए है, अतः इसका जो सही आंसर है वह है फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन किस प्रकार होता है, कि ये आपको दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, ऊर्जा, ऊर्जा के मानों का मान दिया गया है, जहाँ पे एन का मान, यू का मान, एमओ का मान और एक्स का मान दिया गया है, सभी एमओयू में दिए गए हैं, और आपसे पूछा है कि कितनी ऊर्जा मुक्त होगी और जो ऊर्जा का मान है वो जूल में दिया गया है। सबसे पहले देखिए विखंडन से पूर्व इन दोनों का अगर मैं बात करूँ, योग, द्रव्यमानों का योग कितना हो जाएगा, n, n यानी कि 1.0087 तथा 235.0439 का योग, इनका योग करोगे दोस्तों तो ये आपके लगभग आएगा इतना 236.5052। अगर मैं बात करूँ RHS में जहाँ पे MO, XE और 2N है, तो इनके द्रव्यमानों के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, MO का ये रहा 9.9054, XE का ये रहा, और 2N के लिए दोस्तों इस N को आपको गुणा करना पड़ेगा 2 से, और जो आंसर आएगा दोस्तों उसको इन दोनों में ऐड करना पड़ेगा, जो कि लगभग आएगा RHS के इक्वल, जो कि है 235.8398। देखिए आपको यहाँ पे सुस्पष्ट दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के अंतर परिवर्तन है, मास में कमी हो रही है, और मास की कमी जो है वो हानि ही आपको निकालनी है, जो कि लगभग आ रही है 0.2128 AMU, निकाल लीजिएगा, ये जो आ रही है ये AMU में आ रही है, चूँकि आपको दिया गया था मास वो AMU में दिया गया था। अब इस मास में को आपको आपको पता है कि AMU में एनर्जी जो होती है वो 931 MeV होती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस इतने MU के लिए आपको 931 से उसको गुणा करना पड़ेगा, जो कि लगभग आएगा 198.1168 MeV, 198 MeV। अब अभी भी ये MeV में आया, लेकिन जो आपके ऑप्शन है दोस्तों वो जूल में है, तो इसके लिए आपको बस ये है कि एक MeV के अंदर लगभग 4.185 जूल एनर्जी होती है, ये तो है एक MeV का, और आपको निकालना है 198.1168 के MeV को जूल में, तो इसको आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो मल्टीप्लाई करने पर लगभग जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8.1 × 10^10 जूल, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 4 है, अतः इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीएन संधि के गठन की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सही है, पीएन संधि, पी और एन, यहाँ पी मतलब है होलो की संख्या अधिक है यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ एन मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, तो इसमें प्रसरण नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तथा एवं होल का प्रसरण असीम होता है, संधि के आर पर विद्युत क्षेत्र विभव शून्य होता है, संधि के आर पर आवेश एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं, तो याद रखिए दोस्तों जब इधर प्लस होंगे इधर माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो बीच में क्या हो जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो कि इसके ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, संधि के आर पर आवेश एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देंगे, हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि इधर पूरे के पूरे क्या है धनावेश, इधर पूरे के पूरे ऋणावेश, पीएन संधि की अगर बात करूँ तो, जिससे बीच में क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 4 बता रहा है, अतः इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ के इस द्वार के तर्क खंड आरोप को निरूपित करता है, यहाँ पे आपको द्वार दिए गए हैं, जहाँ पे ये आपको और गेट दिया गया है, ये आपको एंड, इधर आपको नोट दे दिया, आपको इधर भी एंड दे दिया, और आपसे पूछा है कि रिजल्ट में जो आपको क्या आएगा, और मतलब सिंपली प्लस, नोर मतलब प्लस के ऊपर बार, जो आप प्लस का रिजल्ट आएगा उसको जस्ट उल्टा, नैंड मतलब एंड के ऊपर बार जिसका उल्टा, और एक्सक्लूसिव और
एक्सक्लूसिव ऑर का मतलब होता है सर दोस्तों ए बी बार प्लस ए बार बी। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ इस गेट की, तो ये जो है वो ओर है। ओर मतलब कि दोस्तों ए प्लस बी, मतलब यहाँ तक जो है वो ए प्लस बी चल रहा है, ठीक है, ए प्लस बी, क्योंकि ये है ओर गेट। अगर बात करूँ यहाँ पे यहाँ की, तो ये क्या है एंड, एंड मतलब कि ए डॉट बी, ए डॉट बी के यहाँ पे आ गया नॉट, मतलब इसके ऊपर आ जाएगा बार। जब बार जाएगा अंदर तो जो डॉट है वो किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, प्लस में, जो इससे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको कि ए डॉट बी बराबर हो जाएगा आपके ए बार प्लस बी बार के, मतलब कि इधर आपके आ गया ए प्लस बी और इधर नीचे वाला जो वायर है वहाँ तक आपके आ गया ए बार प्लस बी बार, और ये जो है आपके ये है एंड गेट। एंड गेट क्या करेगा, ए प्लस बी और ए बार बी बार के मध्य में गुणन, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ये आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा दोस्तों ए बार प्लस बी बार। जब इनको आप गुणा करोगे तो आपके पास ये खुल के आएगा ए ए बार प्लस, क्योंकि ए ए से बार से गुणा होगा, ए बी से और बी से बार गुणा होंगे, तो आपके पास कुछ ये आएगा जिसमें ए ए बार जो है ये कट जाएगा, बी बी बार भी कट जाएगा और एंड में बचेगा आपके ए बी बार और ए बार बी, जो कि इसका आंसर है। और ये जो होता है ये एक्सक्लूसिव और को दर्शाता है, अतः इसका दूसरा आंसर है दोस्तों वह है एक्सक्लूसिव और, ऑप्शन नंबर फोर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समान परंतु विपरीत आवेशों के दो समांतर समतल पृष्ठों की अवधारणा कीजिए, सही कथन चुनिए। याद रखिएगा ये जब दो समांतर पृष्ठ होते हैं तो उनके मध्य तथा बाहर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर फोर है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन इसके सही नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर फोर में दिया गया समतलों के मध्य तथा बाहर भी परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन टू अपॉन होता है, ठीक है, इसका सही ऑप्शन नंबर फोर आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लास्ट एग्जाम में आए थे फिजिक्स के एग्जाम में, जो हमने देखे, जिनके में से कुछ एक ही जो थे जो बहुत ज़्यादा टफ थे और कुछ एक थे वो ज़्यादा सिंपल थे लेकिन बस थोड़े घूमे हुए थे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।